नोएडा में एक बार फिर सोसाइटी की लिफ्ट में कुत्ते को लेकर विवाद खड़ा हो गया है और विवाद इतना बढ़ गया कि रिटायर्ड आईएएस ने एक महिला को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद महिला ने पति को बुलवा कर रिटायर्ड आईएएस अफसर की पिटाई करवा दी। ये मामला पार्क लॉरेट सोसाइटी का है। जानकारी के मुताबिक महिला अपने साथ कुत्ते को लिफ्ट में ले जा रही थी कि तभी रिटायर्ड आईएएस ने महिला को कुत्ते को लिफ्ट में ले जाने के लिए मना कर दिया। फिर बस इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। बहस के दौरान आईएएस ने जैसे ही अपना मोबाइल निकाला, महिला ने उनसे फोन छीन लिया, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया और रिटायर्ड आईएएस ने महिला को गुस्से में आकर थप्पड़ मार दिया। विवाद यही खत्म नहीं होता, महिला ने भी अपने पति को बुला लिया और रिटायर्ड आईएएस की पिटाई करवा डाली। ये मामला लिफ्ट में लगी सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसके बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने लगा। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों पक्षों से बातचीत शुरू कर दी। एसीपी रजनीश वर्मा ने बताया कि दोनों पक्षों को समझाया गया है, कोई शिकायत पुलिस को दोनों पक्षों से नहीं मिली है और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये जानकारी भी सामने आ रही है कि दोनों पक्षों ने अपने स्तर पर इस मामले में समझौता कर लिया है। बता दें कि लिफ्ट में कुत्ते को ले जाने को लेकर ये कोई पहला विवाद नहीं है। नोएडा में अक्सर अलग अलग सोसाइटी में कुत्तों को लेकर आए दिन ऐसे विवाद आते रहते हैं। अवारा और पालतू कुत्तों के बढ़ते विवादों को लेकर नोएडा प्राधिकरण द्वारा डॉग पॉलिसी भी लागू की गई है, जिसमें तमाम तरह की गाइडलाइंस भी हैं, लेकिन कई महीने बीतने के बाद भी शहर में डॉग पॉलिसी के नियमों का पालन नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से आए दिन इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं।